सोनभद्र जिले के ग्राम पंचायत सुंदरी में रामजतन जो कि एक विकलांग व्यक्ति हैं पर इन्हें विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है। रामजतन जैसे ही इस ग्राम पंचायत में लगभग 12 व्यक्ति और भी हैं जो कि विकलांग हैं पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की निरंकुशता और लापरवाही के कारण इन्हें आज तक पेंशन नहीं मिल पा रहा है। हमारी समस्या ये है कि हमको दोनों जो है पैर सूख गया, कमर तक भी कमजोरी है, चलने में बहुत आफत है। इसमें परेशानी यह है कि उठने में बैठने में सब परेशानी है। आपको विकलांग पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। हाई पेंशन मिले लगी तो जरूर भगवान कुछ खड़े हो जाएंगे, कुछ बहुत सा सहारा हो जाएगा गरीब के। हमारा शरीर जो है एक तरफ बाएं पैर बाएं हाथ बिल्कुल एक अंग का सूख गया, इससे ये परेशानी है कि ना हम खड़ा हो पाते हैं ना हाथ से कोई काम कर पाते हैं। आपको विकलांग पेंशन मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता है। आपने इस पेंशन को पाने के लिए अब तक क्या प्रयास किया है? अभी हम चलने फिरने से मजबूर हैं, हम कहीं कुछ अपना पैर की कमजोरी की वजह से कहीं आ गए। हम चाहते हैं कि कुछ गवर्नमेंट के थ्रू कुछ सहारा हो। आपके ग्राम पंचायत में लगभग 10 से 12 लोग विकलांग हैं, और इन लोगों को पेंशन अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा है? उन लोग के जो कैंप लगा था बवनी ब्लॉक में, उन लोग के सूचना हम दिए थे, लोग नहीं गए, इस कारण से कुछ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, इस कारण से नहीं उन लोग के पेंशन मिल पा रहा। अब आपके द्वारा कोई प्रयास किया जाएगा इस संबंध में? चलिए जिले पर चलिए, उन लोग के सर्टिफिकेट बन जाएगा, उन लोग के भाई अपना जो भी कर्तव्य हम लोग करेंगे। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये विकलांग व्यक्ति बिल्कुल ही मजबूर हैं और ये अपने और अपने परिवार की आजीविका चलाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। मैं यह बदलाव चाहता हूँ कि इन विकलांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिले, इन्हें विकलांग पेंशन जारी किया जाए तथा साइकिल का वितरण किया जाए। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि आप हमारी मदद करें। सोनभद्र जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी के मोबाइल नंबर 94157029000 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। मैं मोहम्मद जावेद सुंदरी दुद्धी, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।